हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मिथबस्टर्स वीडियो। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली मैंने मेरा पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया है यूट्यूब पे और एक माइक ख़रीद लिया है और क्वालिटी अब आपको इम्प्रूव लग रही होगी। अगर आपको लग रही है तो इसी बात पे एक लाइक कर दो वीडियो को और फ्यूचर क्वालिटी अब से अच्छी आएगी ऑडियो की तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो चालू करते हैं। हमारा पहला मित ये है कि जब लावा रश नया नया आया था तो वॉल्केनो की एक ट्रिक कर सकते थे हम स्टार्टिंग में, तो हम वही ट्रिक दोबारा कर सकते हैं और इजीली हो सकता है वो, तो चलिए वो देखते हैं। तो पहले इन लोगों को जाने देते हैं, थोड़ी भीड़ खाली हो जाए। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये कूद के, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो बहुत अच्छा है यार, ये ट्रिक तो कर सकते हैं हम अभी भी। तो इसी के साथ ये मिथ कन्फर्म्ड है। अगला मिथ हमारा ये है कि स्पेस लेवल में जो प्लेनेट रहता है उसके एस्ट्रॉइड पे हम खड़े हो सकते हैं, जो राउंड राउंड घूमता रहता है उस पर। तो चलिए ये देखते हैं। तो प्लेनेट के पास हम आ चुके हैं और यहाँ एस्ट्रॉइड जा रहा है। पहले तो हमें प्लेनेट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए, फिर यहाँ से अब मैं इसके ऊपर कूदूँगा और देखते हैं क्या होता है। और टकरा गया ये तो, यही यार ये टकरा जाएगा। जब भी इस पर चढ़ेंगे ना हम तो इस पर खड़े होने का चांस नहीं, क्योंकि ये टकरा के फॉल होगा। देखिए आप, मैं बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो टकराए जा रहा है। तो इसी के साथ ये मिथ बस्टेड है। अगला मिथ ये है कि जो फ्लोर फ्लिप में ट्रैम्पोलिन रहते हैं तो हम एक ट्रैम्पोलिन से कूद के अपोजिट डायरेक्शन वाले फ्लोर पर जा सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट ट्रैम्पोलिन पर कूद के राइट जा सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। तो ट्रैम्पोलिन के पास हम आ चुके हैं, अब हम राइट में कूद के लेफ्ट में डाइव मारेंगे और ये हो गया है। तो इसी के साथ ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि कैनन क्लाइम में जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले जो इमेज आती है उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि रेलिंग नहीं रहती। तो चलिए ये देखते हैं। तो फ़ोटो में तो हम देख सकते हैं कि रेलिंग नहीं है, इनने सही बोला है। और मैच स्टार्ट होता है तब हम देख सकते हैं कि देखिए लेफ़्ट और राइट में रेलिंग है, तो इसका मतलब ये मिथ कन्फर्म्ड है। आइए नेक्स्ट मिथ देखते हैं। हमारा अगला मिथ ये है कि हम स्किन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने महंगी स्किन खोल ली है और इसको हम चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कलर, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, बंदे के स्किन का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन जो स्किन पहनी है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मिथ बस्टेड है। अगला मिथ ये है कि कैनन क्लाइम में जो ट्रैम्पोलिन रहता है उससे हम लेफ़्ट वाली वॉल पर चढ़ सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो यार ये ट्रिक करने में बहुत डिफ़िकल्ट है यार सच में, लेकिन मैंने ये कर लिया है फाइनली। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है इसी के साथ। अगला मिथ हमारा ये है कि स्पिन गो राउंड मैप के बीच में जो हैमर है उन हैमर के स्टिक्स के बीच में से हम जा सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम हैमर के पास आ चुके हैं और पड़ी हमें थोड़ी, रुको रुको, बीच में से जाने में वेट करना पड़ेगा। और ये गया, और इसी के साथ ये मिथ भी कन्फर्म्ड है। तो हमारा अगला मिथ ये है कि स्पिन गो राउंड में जो लास्ट वाला मूविंग प्लेटफॉर्म अगर चला जाता है तो हम उसके बिना भी डाइव मार के जा सकते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो हमारा आगे वाला प्लेटफॉर्म जा चुका है और हम डाइव मारने वाले हैं, और हमने मार ली है। तो इसी के साथ ये मिथ भी कन्फर्म्ड है। तो हमारा अगला मिथ ये है कि स्पिन गो राउंड में जो येल्लो एरो रहते हैं उस पर हम दौड़ सकते हैं, लेकिन जो हम्बल स्टम्बल में रेड एरोज रहते हैं उसमें हम दौड़ नहीं सकते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो पहले हम दौड़ के देखते हैं इन येल्लो एरोस पे जो है स्पिन गो राउंड में, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम इन्हें दौड़ सकते हैं। तो अब हम जाते हैं हम्बल स्टम्बल पे। अब हम्बल स्टम्बल के एरोस में आप जैसा कि देख सकते हैं हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हमें पीछे ही खींचता जा रहा है, और इसका मतलब है हम इस पर नहीं दौड़ सकते हैं। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है और काफ़ी अच्छा मिथ है। तो हम आ गए हैं हमारे लास्ट मिथ पे, और आप सबको मालूम है जिसका बेस्ट मिथ रहता है उसको मिलता है शाउट आउट, तो इसलिए अच्छे अच्छे मिथ्स लिखते रहिए तो आपको भी मिल सकता है शाउट आउट। तो आइए मिथ को देखते हैं। अब मिथ ये है कि अगर हम गेम डिलीट करके वापस डाउनलोड करेंगे तो हम नाम फ्री में चेंज कर सकते हैं, वरना हमें 100 जेम्स लगते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नाम हर्ष तत्सुया है अभी, तो अभी तो मेरे पास फ्री है क्योंकि अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है नाम। तो पहले इसको मैं चेंज करता हूँ मेरे पबजी वाले नाम से, क्लैन GNS तत्सुया। तो ये करते हैं पहले,
सो ये चेंज हो गया है, अब 100 जेम्स मांग रहा है। तो अब हमें अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना है गेम। ओके, तो हमने गेम रीइंस्टॉल कर लिया है, अब हम देखते हैं। प्रूफ ये है कि ये देखिए एग्रीमेंट मांग रहा है। अब हम ये खोलेंगे नाम, और अब ये देखिए कि ये फ्री में नाम चेंज हो रहा है अब वापस। तो ये बहुत ही बढ़िया मिथ है यार। तो अब एक शाउट आउट टू तनिष्क FF, तो बहुत ही बढ़िया मिथ था ये। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें यार, कमेंट कर दो अपने अपने मिथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो। तब तक हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।